हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। वी आर डूइंग ए लेसन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड टुडे वी विल लर्न ए क्वेश्चन, व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम सोर्स एनर्जी के अल्टरनेट सोर्सेज की ओर क्यों देख रहे हैं? हमें पता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, जो शुरू से हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो एक तो लिमिट मात्रा में है, ठीक है, उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड सप्लाई। एंड सेकेंड, फॉसिल फ्यूल काजेज एसिड रेन, बिकॉज द फॉसिल फ्यूल, व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल इट रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दीज गैसेज आर द मेजर काज ऑफ एसिडिक रेन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो काज ग्रीन हाउस इफेक्ट। दीज आर फ्यू रीजन वी वॉन्ट टू, वी आर लुकिंग एट द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेट्स स्टार्ट ओवर आंसर। वी डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। द स्टॉक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लिमिटेड एंड दे आर नॉट इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन टूडे। आजकल ये बन भी नहीं रही हैं। द रेट एट विच वी आर कंज्यूमिंग और यूजिंग द फॉसिल फ्यूल इज वेरी हाई, ओके, एंड सो दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ये ज़्यादा समय तक तो चलने वाली नहीं है फिर अब, बट विल गेट एग्जॉस्टेड सून, और जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मच डिपेंडेंट ऑन एनर्जी सोर्सेस। आजकल की जो जनरेशन है, देखा अपनी, चाहे वो फैक्ट्री चलानी है चाहे कुछ भी है, तो उसके लिए एनर्जी सोर्सेस चाहिए हमें। सो वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओके। मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।